चलो चलो मिक्स करो मर्चा प्याज टमाटर सब। तो गाइस देख सकते हो क्या कहना चाहोगी ये कहना था क्या आंसू निकल गया। तो हेलो गाइस फाइनली हम लोग लोकेशन में पहुंच गया। देख सकते हो लोकेशन एकदम बेहतरीन है, यहाँ में फूल ही फूल है। और बहुत दिन का बाद एक दोस्त जो हम लोग का टीम मेंबर बस्ती गया हुआ था तो फाइनली आ चुका है। तो मिलवाते हैं मेरा दोस्त को। देखो One eternity later. आप लोग शायद पहचानेगा अभी होगा, अच्छा से पूरा वीडियो देखा होगा। ये देख सकते हो तवा नखा जो फूल सुन के बेहतर था, खुशबू भरा मजा आ रहा था फूल का। तो ये है फाइनली आ चुका है। हाय हाय बस्ती में पेट के कैसा लगा तेरे को? बहुत चपड़ी वाला फीलिंग आया था बस्ती में, तो सबका वही होता है, शहर में बैठ के बस्ती में बैठेगा तो चपड़ी वाला फीलिंग आएगा ही है। तो आई एम हियर राइट नाउ। और गाइस आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाएगा यहाँ में ना, कहीं में भी आपको सब्जी मिल जाएगा। अगर कुछ सब्जी जंगल में आया है तो कुछ सब्जी लेके नहीं आया है तो ये सब्जी को पहचान के रखो, आपको सब्जी का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी हम दिखाएगा आपको। गाइस ये वाला सब्जी को देख सकते हो, ये वाला इसको खाता है। हाँ ये सब्जी को खाता है, ये जंगल में कहीं में भी मिल जाता है और बहुत टेस्टी होता है। दाल बना सकते हैं आप, बॉयल बना सकते हैं, जैसे चटनी भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है। ध्यान से देख के रखो। नहीं दिखाने से बोलेगा ना। तो गाइस देख सकते हो यहाँ में अभी काट उट लगाया जा रहा है। तो इसमें क्यों लगाता है, क्योंकि अच्छा से नमक घुसने के लिए ना, तो नमक अच्छा से अंदर अंदर घुसेगा तभी जाके इसका टेस्ट दुगना होता है। तो इसको अच्छा से काट उट लगा लिया, इसमें भी देख सकते हो कट लगा चुका है। तो एकदम ताज़ा ताज़ा मीट आया हुआ है, अभी इसको रोस्टिंग करेगा। और यहाँ में पेट है, पेट को देखते हैं क्या बनाएगा। ये दूसरे वाले भाई मतलब मीट पे भी डाल दो ना। डालेगा सब में, मीट का अंदर नमक घुसना है। हाँ आगे पीछे पूरा डाल दो नमक, और थोड़ा ज़्यादा लेके आ जाने से ठीक था ना। चलेगा, नमक इनफ है, ज़्यादा डालने से भी नमक का टेस्ट ही आएगा, मीट का टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा तो गाइस आप लोग, आपके लिए हम लोग इतने मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग मतलब एक लाइक नहीं कर सकते गाइस भाई? देख वीडियो को देखते हो उसके बाद भाई लाइक भी नहीं करते, ऐसा थोड़ी होता है यार। गाइस हम लोग आपके लिए इतना तगड़ी कंटेंट लेके आते हैं तो आप लोग मतलब सपोर्ट भी नहीं करते, समझ रहे हो? तो ये चीज़ को आप लोग बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को भाई वीडियो अगर अपलोड होता है तो लाइक करना है, फॉलो करना है और सब्सक्राइब करना है। तो गाइस और अलग अलग मतलब रेसिपी हम लोग आपके लिए लाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है गाइस? तो गाइस अभी इसमें सीख डालेगा, क्योंकि सीख डालने से अच्छा से मतलब स्टैंड में बैठा पाएगा। तो देख सकते हो हम लोग का सीख पूरा रेडी हो चुका है, अभी डालेगा आग में। दोस्तों ये मेरा रेसिपी है, देख सकते हैं इधर एक पाव है, एक पाव एक बिल्ली लेके चला गया ना सुबह सुबह, फिर ये मुर्गी का ये सब भी बचा है, ये किसी को भी नहीं देगा। तो गाइस देख सकते हो हल्का सा मीट में कलर आ चुका है, जो देख सकते हो हल्का हल्का कलर आ चुका है, एकदम बढ़िया से आया है। और मीट में कोई भी मसाला नहीं डाला है, हल्का सा सिर्फ नमक डाला है ताकि मीट का ओरिजिनल फ्लेवर आने के लिए।
तो गाइस यहाँ में देख सकते हो मर्चा, अदरक, लहसुन सब कुछ मिला के यहाँ में कुटा जा रहा है ताकि चटनी में डालने के लिए मजा आएगा, जाल तीखापन आने के लिए। A few moments later. यहाँ पे मीट हो चुका है कंप्लीट, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा छोटा पीस करके खाएंगे मस्त तेल में फ्राई करके। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का। तो देख सकती हो एकदम बढ़िया से पका है। यहाँ में प्याज काट दिया है और यहाँ में ग्रीन चिल्ली है और ग्रीन चिल्ली यहाँ में कुटा जा रहा है देख सकती हूँ। तो गाइस देख सकती हो यहाँ में अभी रोस्टिंग किया वाला मीट को फटाया जा रहा है छोटा छोटा पीस में, हाथ से पटाता है ये देख सकती हो। और ये गाइस थोड़ा काला काला दिख रहा है ना, ये मीट नहीं है, ये चमड़ा है और इसमें तेल का वजह से काला हो गया, ज़्यादा चिकन में ज़्यादा ही तेल था उसका वजह से काला काला हो गया। और ये बाकी देख सकते हो एकदम बेहतरीन इस तेल से जलाया गया है। चलो चलो मिक्स करो मर्चा प्याज टमाटर सब। अरे यार जल्दी जल्दी करो। आइए गाइस देख सकते हो कितना टेस्ट दिख रहा है गाइस खाने में, कितना टेस्ट होगा। चलो अपना हाथ गंदा है। तो गाइस अब हम खाने जा रहे हैं। या मिर्च हाथ दे सिर्फ इसमें। तो गाइस यहां पे मैं सबसे बड़ा पीस लेना चाहूंगा। तो ये तेल जो गाइस बात करो यार कुछ भी खाना पीने समय में बात नहीं करते। अच्छा बात तो सही है। ये तो रिंकल ही क्या होगा, हर बड़ी मोटा सा ना, तो ये लतू करेगा या रिंकल करेगा बहुत मोटा सा, तो दे देगा ना घर में। आया गाइस बहुत जाल हो गया, लोकल मर्चा था, आइडिया नहीं हुआ कितना जाल होगा लेकिन बहुत जाल हो गया, अंग संग पूरा लाल हो गया। मीट तो बहुत टेस्टी बना है लेकिन जाल का भाई इसे गाइस खाने नहीं सक रहा। तो गाइस देख सकती हो क्या कहना चाहोगी, ये कहना था क्या, आंसू निकल गया। बोला तो दा क्या बोलना चाहोगी, बहुत टेस्टी है ना, ऐसे नेचुरल व्यू का साथ ऐसे अगर मिल जाए ना गाइस क्या ही बात है, कते जहर टेस्ट जो दुगना हो जाता है गाइस। 15 हाथी मर्चा डाला है, क्या कहना चाहोगी। बढ़िया है लेकिन जाल थोड़ा ज्यादा हो गया। जाल का यार थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया यार, मैंने जाल नहीं, ऑलमोस्ट खत्म है। और ये एक दोस्त के लिए रख दिया,